भाई स्प्लिट्स ला देखने में मजा आ रहा है या नहीं, सही सही बताओ। स्पेशली आज के डोम सेशन के बाद गेम के डायनेमिक्स ऐसे चेंज हुए हैं कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीकेंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शो के मेकर्स को सिर्फ और सिर्फ चाहिए मसाला। उन्होंने सारे आइडियल मैचेस को डिसॉल्व कर दिया। मतलब पहले एक ही कपल दो दो बार आइडियल मैच के लिए जा रहा था, पहले जो कपल ऑलरेडी आइडियल मैच बने थे वो डिसॉल्व हो गए। अभी जो बंदे आइडियल मैच के लिए नहीं जाना चाह रहे उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि नहीं भैया ऐसे तो नहीं होगा, आपको आइडियल मैच के लिए जाना पड़ेगा, जाओ, शो में चाहिए मसाला। तो आज के डोम सेशन में हर्ष चलेगा शुभी के साथ पता करने की वो आइडियल मैच है या नहीं। मतलब हर्ष भाई क्या बोलूं मैं आपको, विला में इतनी सारी लड़कियां थी, किसी को भी चूज कर सकते थे। बट जोक्स अपार्ट, यू डिड द राइट थिंग बिकॉज हम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड भाई नायरा और दिग्विजय, जिनका हमने सोचा भी नहीं था कि साथ में पेयर अप होंगे, अब वो आइडियल मैच बन चुके हैं विथ पावर। इन शॉर्ट आज के डोम सेशन में दो आइडियल मैच बने जिनके पास अब पावर आ चुकी है, विच इज हर्ष, शुभी एंड दिग्विजय एंड नायरा। और वोट आउट वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेया और रूरू जो हैं घर जाने वाले हैं, उन लोगों का एलिमिनेशन हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी नेक्स्ट एपिसोड तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि टीआरपी जो है छप्पड़ फाड़ने वाली है, क्योंकि सारे स्प्लिट सिलंस को बोला जाएगा हर एक के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखना कि उनके अंदर क्या खामियां हैं, और यू कैन से दैट कि उन्हें एक दूसरे को रोस्ट करना है क्यू कार्ड में अपने मैसेजेस लिखकर। हर एक कंटेस्टेंट की बारी आएगी, उसके सामने वो रोस्ट पढ़ा जाएगा, फिर वो कंटेस्टेंट डिसाइड करेगा कि किसने वो रोस्ट उसके लिए लिखा है और उसके ऊपर जाकर वो गंदा पानी फेंक देगा। यहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में ऑब्वियसली लड़ाइयाँ होने वाली हैं, जैसे कि शिवेद दिग्विजय दोनों हीरोडी आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऑल्सो एडी हर्ष की भी यहाँ पर अब दुश्मनी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा पानी फेंका जाएगा आकृति के ऊपर। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे कंटेस्टेंट मिलकर उसको टारगेट करेंगे, बढ़िया चीज हमको शो में भी देखने को मिलती है कि आकृति सबसे ज्यादा बोलती है और जो आदमी सबसे ज्यादा बोलता है भाई कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों में फंसता है। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक चीज उठती है जहाँ पर दिग्विजय को एक ट्रूथ बताया जाता है जो कि नायरा उन्हें बताती है कि उन्नति का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है बाहर और वो दिग्विजय को घोष करने वाली है शो के बाद और वो उसके पास चली जाएगी। ऑल्दो हमें इंस्टाग्राम पर देखने को तो मिलता है कि उन्नति दिग्विजय जो है साथ में चिल कर रहे हैं, ये दोनों साथ में एक बार बाहर घूमने भी गए हैं अनिकेत डिकेला के घर। बट या इज वॉट ट्रू कि उन्नति का एक बॉयफ्रेंड था शो से बाहर, अभी वो है या नहीं, और ये दोनों चीजें सिर्फ फॉलोअर्स के लिए या शो के लिए फेक कर रहे हैं, इस पर कमेंट करना मुश्किल है। बट आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट डाउन बिलो। एंड विद दिस सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।